इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में जो कि इंडियन डिफेंस से है और कल ही इसको लेकर जो एक प्रेस रिलीज है वो हमने देखा था जहाँ पे ये पब्लिश हुआ था कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-2023 में अब तक का जो सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भारत ने किया है। तो भारत की जो इमेज है वो हम सभी अवेयर हैं, डिफेंस इंपोर्टर की है और जो इस तरह का डेवलपमेंट है डिफेंस एक्सपोर्ट में तो वो एक बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ पे तकरीबन जो 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस है वो एक्सपोर्ट किया गया है जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 12,000 से 13,000 करोड़ का था। तो ये जो ग्राफ है आप देख पा रहे होंगे 2017 के कंपैरिजन में इन 5 से 6 सालों में जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 10 से 12 गुना बढ़ा है। भारत को लेकर हम सभी अवेयर हैं कि भारत देख रहा है तकरीबन $25 बिलियन के एक्सपोर्ट को 2025 तक जो कि अभी $13 बिलियन पर खड़ा है। तो जो पॉसिबिलिटी है इस तरह के ग्रोथ को देखते हुए $25 बिलियन को अचीव करने की 2025 तक वो यहाँ पे काफी संभव है। यहाँ पे कुछ जो प्रोडक्ट के मेंशन है वो भी किए गए थे MOD के द्वारा जिनको लेके हम बात करेंगे और इसमें कुछ जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सरप्राइजिंगली इस लिस्ट में हैं जिसका जो मेंशन है वो इससे पहले अब तक नहीं हुआ था कि जो उनके एक्सपोर्ट है वो हो चुके हैं। कुछ प्रोडक्ट की बात करोगे तो जो HAL का डोनियर DO228 है वो एक्सपोर्ट हुए हैं, एशियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए गए हैं। यहाँ पे जो अगला मेंशन है वो काफी इंपॉर्टेंट मेंशन है जो कि ATAGS को लेके है, DRDO और कल्याणी के ATAGS को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो एक 155mm का आर्टिलरी गन है उसके एक्सपोर्ट किए जाने को लेके पिछले कुछ महीने में डिस्कशन थे जहाँ पे ये स्पेकुलेशन लगाई गई थी कि जो कल्याणी का 39 cal का गन है प्रॉब्ली वो एक्सपोर्ट किया गया हो जो कि यहाँ पे कम्प्लीटली अलग सिनारियो है और पॉसिबली जो 155mm 52 cal का ATAGS है उसको एक्सपोर्ट किया गया है आर्मेनिया को। क्योंकि यहाँ पे जो एक फेसबुक पोस्ट है फॉर्मर आर्मेनियन MOD के प्रेस सेक्रेटरी का वो आपको देखने को मिला है जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जो ATAGS है वो उनके आर्टिलरी फैमिली में अब शामिल हो चुका है FH-77 और आचा के साथ। तो ये जो मेंशन है वो आर्मेनियन MOD के जो फॉर्मर एम्प्लॉय है उनके द्वारा पोस्ट किया गया है। तो यहाँ पे सर्टिनिटी है ATAGS के एक्सपोर्ट की आर्मेनिया को स्पेशली वो काफी क्लियर है। अब जो नंबर है, डिलीवरी है, स्टेटस है वो सारी चीजें अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, प्रॉब्ली कुछ दिनों में वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जो इस तरह के गन का एक्सपोर्ट है वो किया जा रहा है। जो आर्मी का ऑर्डर है 307 के नंबर में उस पे जो CCS का अप्रूवल है वो जल्द ही दिया जाएगा, अगले 6 महीने में जो पॉसिबिलिटी है वो भी आपको दिखेगी। यहाँ पर जो अदर प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट की बात करोगे तो जो आकाश मिसाइल सिस्टम है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को। जो रेडार्स हैं जैसे कि जो आपके स्वाथी वेपन लोकेटिंग रेडार हैं वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं। जो सिमुलेटर्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है वो एक्सपोर्ट किए गए हैं एशियन कंट्रीज को ही, जैसे कि नेपाल को भी किया गया है। आर्मर्ड व्हीकल यहाँ पे एक्सपोर्ट हुए हैं। जो पिनाका MBRL है उसका भी एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे जो देशों के नाम है वो मेंशन नहीं है। जो थर्मल इमेजर है, बॉडी आर्मर है और जो छोटे बड़े LRU है, एवियोनिक्स हैं और स्मॉल आर्म हैं वो सब एक्सपोर्ट किए गए हैं। यहाँ पे जो मेंशन है वो ब्रह्मोस का भी रहेगा जिसको लेके जो डील है वो जल्दी ऑफिशियली होगी, क्योंकि यहाँ पे जो फिलीपींस मरीन कोर के जो पर्सनल हैं उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है तो उसकी भी जो डिलीवरी है वो जल्दी शुरू की जाएगी। एक्सपोर्ट को और भी बढ़ाने के लिए कई सारे जो स्टेप हैं वो GUI के द्वारा लिए गए हैं, जैसे कि जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई किया गया है, इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया गया है और जो ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है एंड टू एंड मोड में। तो जो भी डिलेज होंगे उनको अवॉइड किया जाएगा और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इम्प्रूव रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।